हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। यहाँ मैं बनाऊंगी आज इजी टेस्टी कद्दू की सब्ज़ी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया है। इसे मैंने छील कर काट कर पानी में भिगो कर रख दिया है। अब यहाँ एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई, एक चौथाई चम्मच मेथी के दाने लिए हैं, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक लिया हुआ है। एक बर्तन में मैंने एक चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर हम इसमें जीरा, राई और मेथी डालेंगे। 2 मिनट तक इसे सौटे करेंगे। अब इसमें हम कद्दू डाल देंगे। सारे मसाले डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। सब्जी को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा कद्दू 50% पक चुका है। चलाने के बाद हम इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कद्दू अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक और पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे हम। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। आज की हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आइए इसे सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।